सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो देखेंगे ठीक है ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है तो ये जो पी है ये आई हैव टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द झारखंड ठीक है तो वहाँ से मैंने इसे कट कॉपी पेस्ट करके ये पी क्रिएट किया तो आप चलिए हम लोग स्टार्ट करते हाँ तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले आज के जो वीडियो में देखेंगे वो एट अ ग्लैंस देखेंगे कि हाँ एक ऊपर ऊपर का देखेंगे नज़रिया कि झारखंड में क्या है और इसका हिस्ट्री क्या है जोग्राफी क्या है क्लाइमेट कैसा था फिर आने वाले वीडियोस में टूरिज्म मिनरल्स इंडस्ट्री स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स एंड ट्राइवल्स ये सब देखेंगे बट हाँ वन थिंग शुड बी नोटेड दैट कि इसमें बहुत ज़्यादा समराइज़ करके दिया हुआ है ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट करके दिया हुआ बहुत क्रिप्स में तो फिर हम लोग को इसको बाद में डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा ठीक है हम इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी बना देंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फिर इंट्रोडक्शन जो है झारखंड का ये ट्वेंटी एथ स्टेट है इंडियन यूनियन का और जो कि आया था बिहार से कट करके ठीक है पहले बिहार इतना बड़ा हुआ करता था फिर वो कट गया तो ये झारखंड बन गया और ये बिहार रह गया ठीक है तो ये बना था पंद्रह नवंबर दो हज़ार को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी बिरसा मुंडा ठीक है भगवान बिरसा मुंडा झारखंड में बहुत सारा मिनरल्स है मिनरली रिच है झारखंड तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि यूरेनियम मिक्का बॉक्साइट ग्रेनाइट गोल्ड सिल्वर ग्रेफाइट मैग्नेटाइट डोलोमाइट फायर क्ले क्वार्ट्स फल्सप कोल जो कि थर्टी टू परसेंट ऑफ द टोटल कैपेसिटी है इंडिया का और फिर आयरन फिर कॉपर जो कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द टोटल कैपेसिटी है इंडिया का ठीक है ये सब मिले हैं ये फॉरेस्ट और वुडलैंड जितना है जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो आपका मोर देन ट्वेंटी नाइन परसेंट ऑफ़ द स्टेट है मतलब उनतीस परसेंट से ज्यादा ज़्यादा एरिया में यहाँ पर जंगल है ठीक है जंगल और पेड़ पौधे उगाए हुए हैं तो यहाँ पर टू सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो फिर इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग तीन करोड़ ट्वेंटी नाइन लैख एटी एट थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी फोर है मेल पॉपुलेशन देखें तो वन करोड़ सिक्सटी नाइन लाख थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टीन है फीमेल पॉपुलेशन भी लगभग सेम है वन करोड़ सिक्सटी लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टीन अगर हम लोग डेंसिटी देखें तो डेंसिटी कम है जो कि चार सौ चौदह परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर है फोर हंड्रेड फोर्टीन परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर नेशनल हाईवे की बात करें तो वो एटीन हंड्रेड फोर्टी फोर है और जो स्टेट हाईवे है वो सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी किलोमीटर्स है ठीक है और इसका अगर हम लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न ये सब देखें तो टोटल तो डिवीज़न पाँच है तो पाँच डिवीज़न कौन कौन है एक है संथाल प्रगना डिवीज़न फिर एक है आपका नॉर्थ छोटा नागपुर एक है आपका साउथ छोटा नागपुर फिर एक आता है आपका पलामू डिवीज़न फिर एक आप, आपका आता है कोल्हन डिवीज़न ठीक है और फिर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो चौबीस डिस्ट्रिक्ट है टोटल और सब डिवीज़न थर्टी एट है टोटल सब डिवीज़न इज़ थर्टी एट नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर टू हंड्रेड सिक्सटी फोर नंबर ऑफ विलेजेस है थर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी और टोटल जोग्रफिकल एरिया कितना है तो सेवेंटी नाइन पॉइंट सेवन जीरो लैक हेक्टर ठीक है सेवेंटी नाइन पॉइंट सेवन जीरो लैक हेक्टर एर्टी सेवनटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर स्क्वायर ओके चलिए हम लोग इसका ब्रीफ में देखते हैं ये इसका स्टेट एनिमल है स्टेट एनिमल है आपका एलिफेंट ठीक है एलिफेंट इज़ द स्टेट एनिमल इसका अगर हम लोग बोटानिकल नेम देखें साइंटिफिक नेम तो ये एलिफस मैक्सिमस इंडिकस ठीक है एलेफस मैक्सिमस इंडिकस फिर स्टेट बर्ड देखे तो ये कोयल है कोयल का जो साइंटिफिक नेम है वह वो है यूडीनेमियस स्कोलोपैसियस ठीक है स्कोलोपैकियस फिर ये स्टेट बर्ड है जो स्टेट फ्लावर वो पलास है ये जो होली के टाइम बहुत ज़्यादा होता है ठीक है इसे कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसे फायर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है किसे पलास के फूल को आप फैक्ट को आप लिख सकते हैं और ये पी डी एफ आई विल अपलोड इन द टेलीग्राम ग्रुप यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फिर ये साल ट्री है ठीक है इसे सोरिया रोबस्टा कहते हैं साल ट्री ये ट्रॉपिकल डेसीडस टाइप का फॉरेस्ट है क्योंकि झारखंड में ट्रॉपिकल डेसीडस टाइप का फॉरेस्ट ही मिलता है अब हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट में हिस्ट्री को समराइज किया गया है कि इंडिया में क्या चल रहा था और झारखंड में क्या हो रहा था तो देखिए द रीजन इन इन सराउंडेड इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट इन असेसिबल टू अ लास्ट सेगमेंट ऑफ़ द पीपल ठीक है ये ना क्योंकि ये पहाड़ वाले और जंगल वाले इलाके में था तो ये बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब को पता नहीं था इसके बारे में तो यहाँ पर आना बहुत मुश्किल था मतलब इनसेसेबल था आते नहीं थे लोग विद द ट्राइब्स ऑफ द रीजन आर लिविंग हीयर फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ ईयर नॉट मच चेंज इन द लाइफ एंड कल्चर ओवर द एजेस बेरिंग द लास्ट फ्यू डिकेट्स तो यहाँ पर जो ट्राइब्स रहते थे क्योंकि ये बाकी दुनिया से अलग था कट के था तो फिर यहाँ बस स्ट्राइप्स रहते थे जो इनका जो कल्चर था वो बहुत आ, सदियों से सेम आज, सेम चल रहा था कि वो लोग सेम रहते थे बस कुछ सालों में उनका थोड़ा कल्चर में थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि वो लोग को भी अडोप्ट करना पड़ता है ना कि जैसे मॉडर्न ज़माना हो रहा है तो उस जैसा टाइप्स को भी अडोप्ट करना पड़ेगा फिर मैंने स्कॉलर नाउ बिलीव दैट द लैंग्वेज यूज बाय द ट्राइब्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड इज आइडेंटिकल टू वन यूज बाय द हरप्पन पीपल दिस हैज़ लेड टू अ ग्रेट इंटरेस्ट इन डिसिफरिंग द डिसिफरिंग ऑफ द हरप्पन इंस्क्रिप्शन यूजिंग रॉक पेंटिंग्स एंड लैंग्वेज यूज बाय दिस ट्राइब तो ये जो था इसी यही सब चीज़ के कारण जो ऐसा माना गया कि ये जो लैंग्वेज यूज करते थे जो ट्राइबल लोग वो हरप्पन कल्चर से सिमिलर है तो इसीलिए लिए हरप्पन कल्चर को डिसाइफर करना करने की कोशिश की जा रही है फिर फॉर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैदिक पीरियड झारखंड हैज मेन ऑब्सक्योर्ड वैदिक टाइम में भी झारखंड अलग रहा फिर ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदा अराउंड फाइव थाउ फाइव हंड्रेड बी सी इंडिया सॉर द इमरजेंस ऑफ सिक्स न्यू किंगडम्स इंडिया में सोलह नया नया जो स्टेट था महाजनपद उनका उद्गम हुआ पर यह भी इंडिया से मतलब जो झारखंड से उससे अलग था द सुप्रीमेसी ऑफ द जनपद वेयर ऑफन डिसाइडेड बाय द पावर ऑफ शोर्ट्स एंड बोस एंड एक्स एंड अदर वेपन ठीक है जो जनपद का सुप्रीमेसी था वो उनके हथियार से ये सब से नापा जाता था तो झारखंड तो पता ही क्योंकि ये मिनरल रिच रिसोर्सेज है आयरन के लिए तो यहाँ पर बाद में जाकर के मगध जो मगध का था वो यहाँ पर आकर के अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं कहाँ पर झारखंड के एरिया में क्योंकि यहाँ पर आयरन रिच रिसोर्सेज़स है विद द पावर ऑफ मगध कंटिन्यू टूपायर देंट्रल स्टेट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर अ ग्रेटर

फिर हु ट्राई टू कंट्रोल दिस मिनरल रिच एरिया जो कि इस मिनरल जो फिर जो कि ये जो यहाँ पे जो मिनरल रिच है मतलब कि यहाँ पे आयरन कोल तो फिर कोई भी अपना संसाधन चलाने के लिए रिसोर्सेज पर कब्जा करेगा ही तो इसी लिए उसको कब्जा करते थे फिर द ब्रिटिशस आइडेंटिफाई दिस एरिया एज ए सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द ब्लूमिंग इंडस्ट्री बैक होम एंड टू एक्सप्लोय द रीजन टू दे फुल पोटेंशियल एंड एस्टेब्लिश्ड आवास नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइन तो ब्रिटिश को भी यहाँ से चाहिए ही था को ये सब कोल आयरन तो फिर इसके लिए यहाँ पे रेलवे लाइन का बनाया गया फिर कलकत्ता वाज डेवलप्ड एज अ मेजर पोर्ट टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दिस रीजन टू इंग्लैंड कलकत्ता एक बड़ा पोर्ट था ये झारखंड के लिए कि यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल्स है उसको एक्सपोर्ट करेंगे फिर बिरसा मुंडा नाइनटीन से नाइन सॉरी एटीन से नाइनटीन तक वो रहे थे एंड सिद्धू कानू सिद्धू एंड कानू वर द लेजेंडरी हीरोज़ ऑफ़ द ट्राइबल्स ऑफ द स्टेट जो कि यहाँ के बहुत बड़े हीरोज़ थे ठीक है ट्राइबल हीरोज़ कहते हैं इन्हें हु फाउट अगेंस्ट द ऑपरेशन रूल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑपरेशव जो भी एकदम कहते हैं ना कठिन से कठिन जो परिस्थिति कर दिए थे कि आप में मतलब दीकुओं को एंटर करवा रहे थे एक्सप्लोइटेशन हो रहा था इन लोगों का तो उनसे ये लोग बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो गए थे और उसके कारण ये लोग रिफॉल्ट किए फिर बिरसा मुंडा नाउ रिगार्डेड एज गॉड फाउट फॉर द ट्राइबल्स नेचुरल राइट ओवर फॉरेस्ट ये अपना अधिकार मतलब जो ट्राइबल है उनका अधिकार जंगल के प्रति और उनके ज़मीन के प्रति उसके लिए फ़ाइट किए डैट वॉज मर्सीलेसली बींग एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश फॉर एक्सप्लोइटेशन जो कि एकदम बर्बाद करने के लिए ब्रिटिश अकुपाई किए मतलब जंगल है तो उसको काट दे रहे माइन्स है तो फिर वहाँ से लोगों को हटा देते थे तो इस चीज़ के लिए फिर आफ्टर अ लॉन्ग फाइटा मुंडा वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड डायड इन को बाद में कैप्चर कर दिया गया और ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा और उनका डेथ हो गया था जेल में फिर सिद्धू एंड कार्नू वर से हीरोज अमोंग दमोंग द ट्राइबल्स नाउ रिकॉर्डेड एज अ ट्राइबल हीरो फॉर अ लॉन्ग टाइम झारखंड रिमेड एज द स्टेट ऑफ ट्राइबल्स एंड गेन मोमेंटम गेनिंग मोमेंटम इन द लास्ट फिफ्टी ईयर्स द ट्राइबल्स ऑफ दिस रीजन फाउट अगेंस्ट द हेजमनी ऑफ द नॉर्दर्न बिहार पिछले पचास वर्षों में झारखंड जो है झारखंड के ट्राइब वो नॉर्दर्न बिहार का हेजे मनी से लड़े ठीक है कि वो लोग अपना मर्जी क्या करते थे अ रीजन डेट गेन द मिनरल डिपोजिट ऑफ दिस रीजन लाइक एनी थिंग मतलब ये लोग झारखंड का मिनरल्स मतलब एवि मतलब किसी भी कारण से ले जाते थे मतलब और मतलब थोड़ा एक्सप्लोय करते थे और झारखंड का जो ट्राइबल रीजन था ट्राइबल लोगों का मांग पूरा नहीं होता था ठीक है फिर झारखंड बिकेम अ स्टेट अंडर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन फिफ्टीन नवंबर टू थाउजेंड एंड नाउ इट इज पॉइड अ ग्रेटली फॉरवर्ड और अब ये हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड कितना आगे बढ़ रहा है ठीक है ये था झारखंड का एक शॉर्ट हिस्ट्री इसका हि डिटेल हिस्ट्री है कि यहाँ पर बहुत सारा डायनेस्टी आया था फिर उसके बाद फिर कौन मुगल अटैक हुआ वो सब फिर जोग्रफी देखते हैं देन मोस्ट ऑफ द झारखंड स्टेट लाइज़ इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि हम लोग जानते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में झारखंड स्टेट है जो कि सोर से बहुत सारे नदी का जैसे कोयल दामोदर ब्राह्मणी खरकाई सुबर्ण रेखा रिवर्स उस अपर वाटर शेड लाइव विद इन झारखंड जिसका जो अपर वाटर शेड है मतलब अपर रीजन जो होता है ऑरिजन से वो झारखंड में लाइव करता है मस्ट ऑफ द स्टेट इज स्टिल कवर्ड बाय द फॉरेस्ट अभी जो बहुत मतलब जो झारखंड का मेन मेन पार्ट है ठीक है मेजोरिटी पार्ट जो है वो अभी भी जंगल से घिरा हुआ है फॉरेस्ट रिजर्व सपोर्ट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एंड एशियन एलिफेंट जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो झारखंड में जो टाइगर्स और आशियान एलिफेंट है उसको सपोर्ट करते हैं उसको प्रिजर्व करते हैं ठीक है वो कंजर्व करते हैं उन सब जानवरों को द सॉइल कंटेंट ऑफ झारखंड मेनली कंसिस्ट ऑफ द सॉइल फॉर्म बाय द डिस इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स यहाँ पर जितने पत्थर मतलब यहाँ के जो मिट्टी बनते हैं वो पत्थर के टूटने से बनते हैं क्योंकि मिट्टी पत्थर के टूटने से ही बनते है. तो फिर और द सॉइल कंपोजिशन इज़ फर्दर डिडेड इन टू रेड सॉइल ठीक है जो कि दामोदर वैली में प्रेजेंट है एंड राजमहल हिल मिशेशियस सॉइल कंटेनिंग द पार्टिकल्स ऑफ मिका जो मिशेशियस सॉइल है ये कोडरमा में मिलते हैं यहाँ पे मिका पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है इसमें झुमरी तलैया बड़का गाँव ये वाला एरिया में एंड एरियाज अराउंड द भंडार हिल इतना में मिकेशियस मिलता है फिर आपका सैंडी सॉइल डेट इज जनरली फाउंड इन द हजारीबाग एंड धनबाद ठीक है डेट इज़ जनरली फाउंड इन हजारीबाग एंड धनबाद ठीक है फिर ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन द राजमहल एरिया ठीक है ब्लैक सॉइल राजमहल एरिया में है द लेटराइट सॉइल फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रांची पलामू एंड पार्ट्स ऑफ द संथाल परगना एंड सिंहभूम तो हम लोग यहाँ कौन कौन मिट्टी देख रहे हैं तो पहले जो रेड सॉइल है ये मेन सॉइल है ठीक है रेड सॉइल इज द मेन सॉइल ऑफ झारखंड जो कि आपके लगभग सारे एरिया में मिलता है द फाउंड मोस्टली इन दामोदर वैली राजमहल एरिया ये सब और फिर आपका ब्लैक सॉइल आता है जो राजमहल एरिया में मिलता है फिर आपका मिसेशियस सॉइल है डेट कंटेन्स द पार्टिकल्स ऑफ मीका विच इज फाउंड इन द कोडरमा जुमरी तलैया बरका गाँव रीजन एंड द पार्ट्स ऑफ द मंडार हिल फिर सैंडी सॉइल जो कि हजारीबाग में मिलता है धनबाद सैंडी सॉइल आपका वहाँ पर भी मिलता है जो दामोदर का जो कोस्ट मतलब दामोदर का जो बैंक होता है उस पर भी मिलता है सैंडी सॉइल फिर ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द राजमहल एरिया एंड द लेटराइट सॉइल फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रांची पलामू एंड द पार्ट्स ऑफ संथाल परगना ठीक है फिर हम लोग क्लाइमेट देख लेते हैं तो क्लाइमेट जो है झारखंड का वो मेन थ्री टाइप्स में क्लासीफाइड द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज मेनली क्लासीफाइड इन थ्री टाइप्स ठीक है द कोल्ड वेदर सीजन एक होता है एकदम ठंडा विंटर सीजन जिसे कोल्ड वेदर सीजन कहते हैं कोल्ड वेदर सीज़न फिर एक होता है आपका इसमें क्या होता है कि ये नवंबर से फेबररी तक रहता है इट इट इज़ फ्रॉम द नवंबर टू फेबर एंड इज मोस्ट प्लीजेंट पार्ट ऑफ द ईयर पर अब जो ठंडा गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मतलब यहाँ पर तो थ्री डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा चुका है फिर हाई टेम्परेचर इन रांची इन दिसंबर यूजुअली राइज फ्रॉम फिफ्टी डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब दस डिग्री फ़ारेनहाइट टू लोअर सेवेंटी डिग्री मतलब बीस डिग्री सेल्सियस तक था फिर दूसरा होता है हॉट वेदर सीजन मतलब कि समर सीज़न हॉट वेदर सीजन ये आपका जून से लेकर मतलब मार्च से लेकर के जून तक रहता है द मे इज़ द हॉटेस्ट मंथ इसमें मई जो है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ है फिर इस बीच इस करेक्टराइज ब डेली हाई टेम्परेचर इन द अपर मतलब लगभग थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस हो जाता uh, मतलब है एंड द लोअर टेम्परेचर इन द मिडिल मतलब बीस डिग्री सेल्सियस तक मतलब कि जो गर्मी में जो टेम्परेचर रहता है यहाँ पर वो अब तो पैंतालीस डिग्री चला जाता है आराम से और जो लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है वो सोलह से सत्रह इतना डिग्री सेल्सियस रहेगा वो भी सुबह के टाइम ऐसा होता है झारखंड में और एक और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो जो है वो रेनी सीजन है ठीक है रेनी सीजन क्योंकि आप यहाँ जो झारखंड में जो पानी पड़ता है मतलब बारिश होती है वो आपका ये इस तरफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच के करेंट से होता है ठीक है तो फिर यहाँ पे रेनी सीजन ये आपका लगभग जून से लेकर के सेप्टेम्बर तक रहता है जून का महीना में तो ऐसा लगता है कि पाँच छः दिन तक बारिश हो ही रहा है मतलब पूरा किचकिच हो जाता है सब कुछ ठीक है तो आज के लेक्चर में बस इतना ही इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द ठीक है टूरिज़म देखेंगे कि झारखंड में एटर ग्लेंस क्या है फिर फिर मिनरल्स का देखेंगे ठीक है तो आप लोग देखते रहिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोज़ बना सकूँ ठीक है टिल देन थैंक यू सो मच